वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही मज़ेदार है। आपका एक चीज़ याद रखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है तो मेहनत आपको ज़बरदस्त करना होगा। अगर आप मेहनत में लापरवाही करेंगे, क्वेश्चन बनाने में लापरवाही करेंगे तो नंबर कैसे मिलेगा? ऐसा थोड़ी है कि आपके फीलिंग को समझ करके और वो नंबर दे देगा। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा वक्त कैसा भी हो। एक चीज़ हमेशा याद रखिए बाबू कि वक्त कमजोर होता है इंसान नहीं, और बिना मेहनत का कोई इंसान महान नहीं। यानी इस दुनिया में जो भी इंसान महान बना है उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होगी। तो आपको अगर महान बनना है, अगर अपने आप को चमकाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत की आग में जलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए आप, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है और आपको जबरदस्त तैयारी करना है। SST का भी तैयारी अभी बाकी है, ट्रिक के साथ पढ़ना है, मजे के साथ पढ़ना है, सीरियसली तो पढ़ना ही नहीं है हम लोग को। यहां गौर से देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये तो बहुत आसान लैंग्वेज में सिद्ध हो सकता है। कह रहा है वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों तरफ। मेढ़ी समझते हैं, बस वही मेढ़ी को कहते हैं, चारों तरफ से रहता है उसे परिगत कहते हैं। ठीक है, तो वो किसके परिगत है? तो वृत्त के चारों तरफ देखो ऐसे क्या बना है, चतुर्भुज बना है, चार भुजा से बना है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बना है। ABC खींच दिया, ABCD खींच, ABCD ये चार ठो खींच दिया गया है एक वृत्त के चारों तरफ, एक चतुर्भुज खींच दिया गया। तो कह रहा है कि साबित कीजिए कि अगर गलती से हम ऐसा खींच भी दिए हैं तो AB+CD यानी AB और CD ये जोड़ के एगो टोला में रख दिया है, और AD और BC ये दोनों जोड़ के एक तरफ रख दिया। बोल रहा है कि क्या ये दोनों बराबर है, मतलब इस लाइन को जोड़ के एक तरफ और ये दोनों लाइन को जोड़ के एक तरफ कर दिया। अकह रहा है साबित कीजिए, बताइए कि क्या ये बराबर है। है बहुत आसान, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन साबित करने से पहले जो दिया रहता है वो पहले लिखना पड़ता है, दूसरा लाइन में कि क्या साबित करना है वो लिखना पड़ता है। ये दो चीज़ गिवन यानी जो दिया है वो, और टू प्रूव यानी जो साबित करना है, ये तो कोई भी लिख सकता है। गिवन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन दिया है उसे लिख देना है, साबित क्या करना है वो भी तो दिया रहता है, तो टू प्रूफ में लिख दीजिए, उसके बाद से दिमाग लगाया जाता है। तो बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे आप बताइए, ओ केंद्र वाला वृत्त है, इस केंद्र को क्या माने, सेंटर को ओ, ठीक है, इसके चारों तरफ एक ABCD चतुर्भुज बनाया गया है, ये भी दिख रहा है कि ABCD। देखिएगा PQRS इसका क्या काम है, तो जो लाइनवा खींचा गया है ना तो वृत्त से सट के निकल गया है, क्या हो गया है, सट के निकल गया। तो सटे हुए स्पर्श बिंदु को P कहते हैं, S कहते हैं, Q कहते हैं, R कहते हैं, यानी ये चार जगह सटा है तो चारों स्पर्श बिंदु हुए, यही चीज लिख देना है। यहाँ पे गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत एक ABCD चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल होता है, बनाया गया है जो वृत्त के PQRS बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी स्पर्श कर रही है, क्या कर रही है, बिंदु पर स्पर्श कर रही है, स्पर्श करती है। हो गया, इतना आपको समझ में आया होगा। जब इतना समझ में आया है तो ये तो जो दिया था हम लिख दिए। साबित क्या करना है, टू प्रूव साबित करना है कि AB+CD बराबर AD+BC, ठीक है, यही जो लिखा था वहां साबित करना है वो लिख दिए। अब हम लोग बनाने चलते हैं, दिमाग लगाने चलते हैं। देखिए इसमें दिमाग क्या लगाना है, आपको एक चीज बताए थे थ्योरम 10.2, देख लीजिएगा वीडियो में, आपको प्लेलिस्ट में खोल करके देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। वो था क्या, डायरेक्ट समझिए, कह रहा था उसमें कि एक वृत्त है, अब वृत्त पर अगर एक ही बिंदु से दो गो एस जाके सट रहा है ना लाइन वृत्त पर, तो ये दोनों लाइन आपस में बराबर होता है। जो लाइन वृत्त पर जाके सट रहा है वो दोनों लाइन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिएगा यहां कई जगह सटा है, ये वृत्त पर बाहर से ए से यहां सटा है, इसका मतलब ये वाला लाइन बराबर होगा, यहां बाहर से ये दोनों लाइन सटा है तो ये भी लाइन दोनों बराबर होगा। चार ठो ऐसे कंडीशन दिया है, इसी से बस ये साबित हो जाएगा। यहां देखिए, यहां हम लोग एक काम करते हैं, यहां बात करते हैं हम लोग
ये लाइन स्पर्श हुआ है दो ठो पी और पी तथा एस, क्या हुआ है स्पर्श किया है, स्पर्श बिंदु है। तो बताइए कि जब पी और एस स्पर्श किया तो यहीं से न गया है, ए से गया है, इसका मतलब ए पी और ए एस दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए एस, यानी ए पी और ए एस बराबर हो जाएगा, ए पी बराबर ए एस हो गया, ए पी बराबर ए एस हो गया। दूसरा कंडीशन में बताइए कि ये भी तो क्या है, बाहर से जाके स्पर्श हुआ है तो ये भी दोनों लाइन बराबर हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या, देखिए डी आर लिख सकते हैं यहां पे, ये डी है, क्या है, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, ठीक है। उसके बाद से आप क्या लिख सकते हैं, डी आर ये भी तो जाके स्पर्श हुआ है यहां पे, सी है यहां पे, ये दोनों, तो ये दोनों भी लाइन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं आर सी बराबर, आर से सी बराबर सी क्यू, क्या लिख सकते हैं, सी क्यू लिख सकते हैं। अब यहां क्या बच गया, ये भी तो लाइन है, ये जा करके मिला है, तो ये भी क्या लिख सकते हैं, दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। जब ये दोनों लाइनें बराबर है तो ये भी बराबर है, तो इसको भी लिख दीजिए। यहां क्या लिखिएगा, यहां लिखिएगा आप पी बी बराबर, मतलब ये वाला और ये वाला लाइन बराबर है, क्यू बी। ये समझ में आया कि ये कैसे होगा बाबू, जब भी कोई ब्रीत कि किसी बाह्य बिंदु से अगर दो लाइन स्पर्श होती है तो ये दोनों लाइन आपस में बराबर होती है। तो ये चार गो बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर, सर्कल के बाहर चार ठो पॉइंट है और ये चारों यहां से गया है, तो ये दोनों सब लाइन आपस में क्या होगा, ये वाला सब बराबर होगा। समीकरण एक हो गया, ये समीकरण दो, ये समीकरण तीन और ये समीकरण चार, जब चारों को जोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएगा। क्या लिखिएगा, समीकरण एक दो तीन तथा चार को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो यहां जोड़ते हैं, देखिए इसका रूल क्या है कि बराबर के एक साइड वाले को एक तरफ जोड़ते हैं और एक साइड वाले को एक तरफ जोड़ते हैं। तो जोड़िए एपी प्लस आर सी प्लस एपी प्लस डी आर प्लस आर सी प्लस पी बी हो गया, और इधर जोड़िए ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू प्लस क्यू बी। यह गौर से देखिए, यहीं पे प्रूफ आपका हो जाएगा, डीपली आप समझिए। ए पी एक ये और पी बी, यहां देखिए तो ए पी और पी बी, ये दोनों लाइन यहां दिख रहा है आपको, ए पी और पी बी मिला करके क्या हो गया, ए बी हो गया, पूरा लाइन क्या बन गया, दोनों को मिला के ए बी लिख दीजिए। उसके बाद से डी आर, डी आर प्लस आर सी, कहां है डी आर, तो डी आर प्लस आर सी दोनों मिला करके क्या हो गया, डी सी हो गया, प्लस में डी सी बराबर। यहां देखिए ए एस, ए एस उसके बाद से डी एस, ए एस और डी एस जब दोनों लाइन मिलेगा तो ए डी बनेगा, क्या बनेगा, ए डी। उसके बाद से सी क्यू, सी से लेके क्यू तक, क्यू से लेकर के बी तक जब लाइन मिलेगा तो बी सी, प्लस में बी सी। और यही तो साबित करना था, यहां गौर से देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी या डी सी दोनों बात एक ही है, ए डी और यहाँ पे हो गया बी सी, यहाँ लिख दीजिए पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड, साबित हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो समझ में आपको तो जबरदस्त तरीका से आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए आप, फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी आसान है, फिगर थोड़ा डेंजर लग रहा है लेकिन बहुत है आसान, ठीक है, इसको गौर से समझिएगा, हर डेंजर चीज दिखने वाला डरावना नहीं होता है, ठीक है। यहाँ गौर से समझिए क्या कह रहा है, ये एक फिगर दिया है, आकृति आपको दे दिया गया है फिगर, इस फिगर में पता है क्या बोल रहा है, जो भी है एक ब्रीथ है, ये तो आप देख रहे हैं कि एक सर्कल खींचा गया है, सर्कल के एक ऊपर वाले और एक नीचे वाले हिस्सा पर स्पर्श लाइन यानी वृत्त से सटा करके लाइन गुजारा गया है, इस लाइन का नाम है एक्स वाई और एक नाम है, अलग नाम रखना पड़ेगा, तो ए बी रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी किताब में एक्स डैश वाई डैश दिया है, दो स्पर्श लाइनें हैं। और ये स्पर्श कैसे हुआ है, तो जो बीच से व्यास खींचा गया है ना, उसी व्यास से होकर के गुजरता गुजर रहा है यहाँ पे, इतना ध्यान रखना है। तो पता है क्या बोल रहा है, क्या साबित कीजिए, साबित कीजिए कि ए ओ बी दिख रहा है यहाँ पे, ए ओ बी यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ कितना बना रहा है 90 डिग्री, ये साबित करना है,
ठीक है, यही चीज साबित कर रहा है। अरे तो घबराना नहीं है हम लोगों को, बहुत आसान तरीका से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नौटंकी कर ले हम लोग। नौटंकी क्या होता है कि क्या क्या दिया है वो चीज लिखना पड़ेगा, कोई भी चीज साबित करने से पहले ये तो लिखना ही पड़ता है क्या दिया है। ये दिमाग नहीं लगाया जाता इसमें लिखने के लिए, क्वेश्चन ही गिवन, गिवन मतलब क्या, जो दिया हुआ है क्वेश्चन ही थोड़ा बहुत उतार दो, उसके बाद क्या साबित करना है वो भी पता रहता है कि सिद्ध क्या करना है। ए ओ बी ना बेटी, ये दोनों चीजें लिखने के बाद से क्वेश्चन में दिमाग लगाया जाता है कि बनाना कैसे। तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त था, और इस वृत्त में हुआ क्या है कि यहाँ पे पी और क्यू बिंदु से एक एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा गुजर रही है, वही बात बोल रहा है यहाँ पे, और कह रहा है स्पर्श बिंदु, एक और यहाँ पे बोला है स्पर्श बिंदु सी भी है। यहाँ जब लाइन ऐसे गुजरा है ए से बी, तो यहाँ भी तो एक लाइन स्पर्श हुआ है वृत्त से, ठीक है, सी पर स्पर्श रेखा ए बी, सी बिंदु पर स्पर्श रेखा ए बी, और यहाँ पे लिखा है कि एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब ये लाइनवा खींचा गया है ना, तो एक्स वाले पे ये को यहाँ पे आके यहाँ मिला है, इधर खींचा गया है तो ए बिंदु पर मिला है, यही लिख देना है। जो है वो लिखते हैं क्या लिखना है, तो गिवेन में कुछ लिखना है, लिखते हैं ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, और यहाँ एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वृत्त के वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए यह है कि नहीं स्पर्श रेखा है, जो कहां स्पर्श करती है, P और Q पर स्पर्श करती है, जो P और Q पर स्पर्श करती है, इतना समझ में आया होगा। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि एक C भी स्पर्श बिंदु है, ठीक है, जब ये C बिंदु से स्पर्श किया गया है, तो जो स्पर्श लाइन है वो एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश के B बिंदु पर मिली है और एक्स वाई के ए बिंदु पर मिले। यहां लिखते हैं सी बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश के ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करती है। हो गया इतना जो लिखा था वो कर दिए साबित, साबित नहीं मतलब गिवन में। अब क्या साबित करना है, टू प्रूव, हमको साबित करना है कि ए ओ बी जब गुजरेगा ऐसे तो काई समकोण त्रिभुज बना रहा है, यही साबित करना है, ठीक है, यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये साबित हमको करना है। एक अपने से यहाँ लाइन कंस्ट्रक्ट करो ऐसे, जब ऐसे लाइन मतलब इस त्रिभुज को यहाँ से कोण पर इस लाइन पर, अच्छा देखिए ये ऐसे ही तो बना है ना, ठीक है, तो ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है, कोण है, तो यहाँ से हम कोण पर एक लाइन खींच दिए ताकि यहाँ पे दो गो त्रिभुज बन जाएगा इजली। तो देखिए यहाँ आप देखिए इस लाइन को हम मिला दिए हैं, कंस्ट्रक्शन में आप लिखना है तो लिख सकते हैं। अब जब लाइन को मिला दिए हैं तो यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसको, ये एक चतुर्भुज है बन रहा है, इसके बीचों बीच ये लाइन गुजरा है यहाँ पे, तो जब ये बीचों बीच गुजरा है, एक बाहर पॉइंट ए है, आई वृत्त पर बाहर से ऐसे दो वो लाइन आके सटा है कि नहीं, यहाँ पे स्पर्श किया है, तो जब बाहर से वृत्त के किसी बाहर से अगर दो गो लाइन आके वृत्त पर स्पर्श करे तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग को ये साबित अगर कर दे, हम लोग क्या साबित कर दे, हाई दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज हम सकल है, हम सकल एक के खानी है, सेम टू सेम। और फिर इसमें देखिए तो ये दो त्रिभुज है, ये और ये दोनों त्रिभुज को भी हम सकल कर दे तो हम ये साबित कर सकते हैं कि हई वाला 90 डिग्री है, ए ओ बी 90 डिग्री, ये हम साबित कर सकते हैं। तो पहले ये दोनों को साबित कर दे कि ये हम सकल है, ये भी हम सकल है, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। देखें यहां पे प्रूफ, बात करते हैं हम त्रिभुज ओ पी ए या फिर ए पी ओ, किसी भी त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए पी ओ तथा ए पी ओ तथा ए सी ओ,
ए सी ओ में, ये वाला त्रिभुज इसमें बात, तीन को सबूत इकट्ठा करते हैं। यहां देखिए, अगर हम लिख सकते हैं ए पी बराबर ए सी, ए पी और ए सी ये दोनों बराबर हो सकता है कि नहीं? ये दोनों हो सकता है क्योंकि दोनों बाहर से गया है, वृत्त पर सटा है। तो यहां लिख सकते हैं थ्योरम यानी प्रमेय 10.2 के अकॉर्डिंग ये बराबर हो सकता है। यहां लिख सकते हैं वो एक और चीज, वो क्या चीज लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ सी ए। ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं ओ पी ए, ओ पी ए में जो बीच में आता है वो एंगल, ओ सी ए में ये एंगल, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि जो बाहर से बिंदु जाता है तो जहां स्पर्श करता है, बताए थे कि वृत्त पर जो स्पर्श करता है तो केंद्र से वो 90 डिग्री का निर्माण करता है। ये पहला थ्योरम साबित किए थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ ए, ये हो जाएगा कॉमन साइड, क्या हो जाएगा कॉमन साइड। बताइए ओ, इस त्रिभुज में भी ओ ए मिला और इस त्रिभुज में भी ओ ए लाइन मिला, तो दोनों के लिए कॉमन है। तो आप बताइए कि इस त्रिभुज का तीन गो सबूत अगर इस त्रिभुज में मिल जाए सेम टू सेम, तो समझिएगा ही दोनों आपस में हम सकल है। हम सकल यानी सर्वांग सम है, इसका सभी अंग समान है, ठीक है। तो जब तीन गो मिल गया तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज ए सी ओ के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अब देखिए एक चीज अब याद रखिए, कोई भी अगर दो गो त्रिभुज एकदम हम सकल हो गया, सर्वांग सम हो गया, तो उसका हर एक अंग बराबर होता है। अब ये नहीं पूछना, जैसे दो व्यक्ति अगर एकदम सर्वांग सम हो गए हम सकल, तो फिर मत पूछेगा उसका आंखिया भी बराबर था का। अरे जब हम सकल है तो सब बराबर होगा, तो इसका हर एक अंग इसके बराबर होगा। तो आप बताइए इधर का ये वाला एंगल इस त्रिभुज के ये वाला एंगल के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो गया सम, मतलब सर्वांग सम है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए एंगल पी ए ओ बराबर एंगल सी ए ओ, कैसे, तो लिख सकते हैं सी पी सी टी। अब ये सी पी सी टी क्या होता है, तो जब दो त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो इसको लिखना होता है, नहीं तो लिखना पड़ेगा, दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये दोनों बराबर है। और इंग्लिश में लिखना होता है सी पी सी टी, क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गया, हम सकल बना दिए, सेम टू सेम तब ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोबारा इस तरह साबित करने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए डायरेक्ट इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। जब आप लिखिएगा इस प्रकार तो डायरेक्ट लिखिए ये दोनों बराबर है, क्योंकि जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो बाहर से स्पर्श किया है ना, ये वृत्त के बाहर से यहाँ जाके सटा है, वृत्त पर यहाँ सटा है, एक बार यहाँ सटा है, तो इस हिसाब से ये भी लाइन बराबर, तो ये भी दोनों आपस में हम सकल। हम सकल नहीं बोलेंगे, जैसे आपको समझाने के लिए बोले, हम सकल मतलब सर्वांग सम होता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं क्या, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ओ सी बी, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ओ सी बी सर्वांग सम हो जाएगा, किस त्रिभुज से, ओ क्यू बी के, ओ क्यू बी के, किससे, तो ये भी आर एच एस में, ये भी वही मिलेगा कॉमन, और ये भी सर्वांग सम हुआ तो किससे, आर एच एस से सर्वांग सम हुआ, ठीक है। ये दोनों आपको याद, इसको समीकरण एक मान लो, ठीक है। अब बताइए कि जब ये दोनों आपस में सर्वांग सम है, ठीक है, तो बताइए कि ई वाला एंगल है, ई वाला एंगल दोनों बराबर होगा कि नहीं, बताया था ना इस त्रिभुज का ये वाला एंगल और इस त्रिभुज का ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि जब हम सकल है तो इसका हर एक पार्ट इसके हर एक पार्ट के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एक और लाइन क्यू बी, यहाँ सब मिट जा रहा है, क्यू बी और ओ, क्यू बी ओ एंगल बराबर हो जाएगा किससे, यहां पे ये वाला एंगल सी क्यू ओ से, सी क्यू ओ से, कैसे, तो सी पी सी टी, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गया तो यहां देखिए, यहां पे समीकरण इसको लिख दीजिए दो, जब समीकरण एक और दो हमको मिल गया, हमको साबित क्या करना है, हमारा प्लान क्या है, तो प्लान बता रहे हैं आपको, सुनिए, साबित करना है कि ये वाला ए ओ बी ये 90 डिग्री है, तो साबित आराम से कर सकते हैं। सुनिए कैसे, एक गौर से देखिए, जब एक लाइन ऐसे होता है,
इस पर कोई लाइन इंटरसेक्ट किया यानी कि यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों का योग होता है 180 डिग्री, एक लाइन पर ऐसे है प्रतिच्छेद किया तो ये दोनों का एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए, तो इसको गौर से देखिए, एक शुरू में वृत्त था और दो लाइन ऐसे थी, एक लाइन ऐसे गुजर गया, तो इसको अगर हम मिटा दें, इसका नाम था ए, इसका नाम है बी, तो आप थोड़ा देर के लिए देखिए, अगर थोड़ा देर के लिए आपको समझ आ रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हुआ कि नहीं, यहाँ पे ये वाला, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ए पी ए सी एंगल पी ए सी प्लस, मतलब ये वाला एंगल बीच में जो आता है उसी को एंगल बोलते हैं, लिखते समय जो बीच में है उसे क्या बोलते हैं एंगल, तो पी ए सी, इसको क्यू बी सी प्लस क्यू बी सी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन समानांतर रेखा के बीच जो ट्रांसवर्सल लाइन होता है कटता है, तो उसके एक तरफ का ये दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो दोनों कोणों को मिला के कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब देखिए, जब ये 180 डिग्री हो गया तो बताइए इस एंगल में कोगो कोण जुट के है, पूरा एंगल बना है, एगो ई वाला जुटा था, एगो ई वाला जुटा था, तब ना जाके पूरा मिला था, तो इसको तोड़ के लिखो ऐसे ही, दो एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ प्लस सी ए ओ, एंगल सी ए ओ प्लस, अब इसको तोड़ो, ई वाला एंगल को तोड़ो, ये और ये लिखना है, तो लिखोगे कैसे, एंगल बी लिखो ऐसे, क्यू बी ओ प्लस एंगल सी क्यू ओ, सी क्यू ओ, ये वाला एंगल और ये वाला दोनों मिला करके ना पूरा बना है, ठीक है, ये आपको कन्फर्म हो गया। और एक चीज हम प्रूफ किए हैं, क्या क्या इतने ध्यान से बाबू देख लो, क्या प्रूफ किए हैं, हाई दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है, तो जब दोनों बराबर है तो यहाँ पी ए ओ के जगह पे या फिर ए ओ सी, जब दोनों मान लीजिए कि ये जितना है उतना ये भी है, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों हम साबित किए हैं, जब हम सकल था तो कोण एंगल बराबर होगा ही जो भी होगा, ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी ए ओ, ये दोनों सेम क्यों लिखे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसके जगह पे ये लिखो चाहे इसके जगह पे ये लिखो, दोनों बात बराबर ही होगा। अब प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल सी क्यू, एंगल सी क्यू नहीं होगा, यहाँ पे क्यू बी ओ हो गया, क्यू बी ओ सी बी ओ, सी बी ओ, तो यहाँ लिखो एंगल सी बी ओ प्लस एंगल सी बी ओ, ये दोनों सेम क्यों लिखे, जहाँ पे क्यू बी ओ था ये वाला था, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे ये एंगल था उसके जगह पे हम इसका नाम क्यों लिखे, आप बताइए कि ये वाला एंगल क्यू बी ओ, क्यू बी ओ ई वाला एंगल बराबर है, तो ये दोनों के जगह पे एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो गो हो गया तो एंगल लिख दीजिएगा, ए गो सी ए ओ और ए गो सी ए ओ मिला के दो गो एंगल सी ए ओ, प्लस यहाँ देखिए एंगल एक और एक कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के 180 डिग्री, एंगल सी बी ओ यहाँ पे दो ठो हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 180 डिग्री, दोनों में से दो कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ, बराबर में कितना हो गया 180 डिग्री, कटाइएगा तो ये हो जाएगा 90, बचा क्या सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ बराबर 90 डिग्री। ये क्या मतलब 90 डिग्री क्या होगा, तो देखिए कह रहा है ये वाला कोण ये वाला दोनों को मिला के 90 डिग्री, मतलब कि ऐसे है ये ए ओ बी, यहाँ बीच में ऐसे डाल दिया गया है सी, तो कह रहा है कि ई वाला सी ए ओ पहला वाला है ये वाला एंगल और सी बी ओ ये वाला, ये दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ये दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 90 डिग्री, याद रखिएगा ये जहाँ दोनों नाम आएगा उसके जगह 90 डिग्री भरना है। आप बताइए कि एक त्रिभुज दिख रहा है ए ओ बी, ये त्रिभुज है कि नहीं, ये वाला एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हम बात करें त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, यहाँ पे ए ओ बी में तो हाई वाला त्रिभुज है, ठीक है,
ये तीनों का एंगल का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ए ई वाला एंगल ये वाला और ये वाला जोड़ के 180 लिखना पड़ेगा। तो एंगल डायरेक्ट लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। आप बताइए अभी ये वाला एंगल ए कितना था, ये और ये दोनों को मिला करके 90 डिग्री साबित हुआ है। देखिए ए और बी बीच वाले को कहते हैं, दोनों को मिला के कितना डिग्री आया है, 90 डिग्री आया है। तो ये दोनों को पास में लिख दो, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ को साइड में करके 180 डिग्री, ये दोनों के जगह पे क्या लिख सकते हो, 90 प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री। यहाँ देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ओ बराबर 180 माइनस 90, एंगल ओ बराबर 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। हमको यही तो, हम पूरा नाम नहीं लिखे हैं, ए बी ओ डायरेक्ट लिख दिए हैं। आपको ए के लिए लिखना पड़ेगा, इसको बीच में लाना है ना, तो ओ ए सी, इसके लिए लिखना पड़ेगा सी ओ, ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि ये बीच में आ जाए। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ साबित हो गया कि ओ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाएंगे मज़ेदार तरीका से। यह क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन और 3 से 4 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, वो क्या बैठाना है 10 लेसन में, कि एक वृत्त अगर है तो वृत्त के कहीं बाहर से अगर दो बिंदु आके मिल रहा है तो जहाँ स्पर्श करेगा ना सर्कल पर, वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये दिमाग 90 डिग्री का एंगल बनाता है साइड से जो भी टेंजेंट आएगी। ठीक है, यहाँ समझिएगा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, साबित ये करना है कि किसी भी बाह्य बिंदु से यानी बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से कहीं से लाइन जा रहा है, दो ठो जा रहा है और वो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक, इस सर्कल के किसी बाह्य बिंदु यानी एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर स्पर्श रेखा हम खींच दे रहे हैं, जाकर के सट गया। तो जब हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो स्पर्श रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, समझिएगा यहाँ पे ऐसे सेंटर हो गया तो स्पर्श रेखा ये हो गया और जहाँ सट रहा है उस पॉइंट को स्पर्श बिंदु कहते हैं, टेंजेंट पॉइंट कहते हैं, और वहाँ से और ये जो मिला रही है वो रेखा, मतलब यहाँ मिली है बाबू, इधर नहीं मिली है, पहले ही मिली है यहाँ से, और सेंटर आपका ये हो गया, ऐसे मिल गई और यहाँ पर आके ऐसे मिल गई, यहाँ पर मिला है, ये कह रही है कि यहाँ पे जो आके मिला है वो ये, और उसके बाद बोल रहा है कि केंद्र पर अंतरित कोण जो सेंटर में बना है वो कोण और ये वाला जो बाहर पॉइंट मिला है ये वाला कोण, क्या दोनों कोण संपूरक होगा। संपूरक क्या होता है, संपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसा एंगल जिसको दो एंगल को जोड़ने पर यानी ऐड करने पर अगर 180 डिग्री आ जाए, आपको पहले भी बता चुके हैं, इसे सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण कहते हैं। तो यही साबित करना है कि दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं, और इसमें कुछ नहीं है तो सबसे आसान है यार, सुनो तो, जहाँ स्पर्श होता है लाइन वहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है, 90, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। आज जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में यानी कि क्वाड्रिलेटरल में चारों भुजा को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, किसी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल हो अगर सब एंगल को जोड़ते हैं तो आना चाहिए 360। तो जब मान लीजिए 1, 2, 3, 4 तो 4 को लाइन है तो ये भी चतुर्भुज है तो इसको जोड़ने पर आना चाहिए कितना, 360। तो 90 पता है 180, तो 360 में से जब 180 हटा दीजिएगा तो भाई दोनों का जोड़ 180 नहीं बचा है, तो वही करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ नौटंकी कर ले, नौटंकी मतलब गिवन जो दिया है वो लिख ले। देखिए गिवन में क्या दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, क्या मान लो ओ केंद्र वाला वृत्त है, कहीं पे मान लो कि यहाँ पे पी एक्सटर्नल पॉइंट से गया है तो यहाँ पी क्यू और पी आर दो गो हो गया है लाइन जो जाके वृत्त पर सटा है, स्पर्श हुआ है, वही चीज लिखना है। ओ केंद्र वाला वृत्त के किसी बाह्य एक्सटर्नल बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा पी आर खींचा गया है।
हो गया सिंपल, ठीक है। अब देखो साबित क्या करना है, टू प्रूव, यानी यहां लिख सकते हैं साबित करना है कि ये और ये दोनों का योग क्या होना चाहिए, सम पूरक, यानी 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये और ये। तो डायरेक्ट आप एंगल P प्लस एंगल O मत लिखिएगा, ठीक है। आप इस एंगल को लेना है तो ऐसे लिखिए QPR, एंगल QPR प्लस एंगल QOR, QOR ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि जो बीच में होता है उसी को एंगल कहते हैं। अगर आपको ये एंगल लेना होता तो कैसे लिखेंगे, PQO ऐसे लिखते ताकि ये बीच में आ जाए। अब समझिए ये दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, यही हमको लिखना है। अब प्रूफ में लिखो, प्रूफ का मतलब समझते हैं। देखिए ये दोनों तो क्वेश्चन से निकल जाता है कि दिया है वो लिख दो, साबित लास्ट में जो करना है वो लिख दो। ई वाला का मतलब हुआ कि ठीक है भाई ये दोनों का योग 180 होता है, ठीक है, लेकिन कौनो है सबूत तुम्हारे पास तो सबूत इसमें दिखा दो किसके वजह से होता है। तो सुनिए सबूत हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यहां लिखना पड़ेगा हमको। हम जानते हैं कि चतुर्भुज, पूरा लिख दें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सॉरी योग 360 डिग्री होता है। कैसे लिखिएगा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं। पहले हम Q को लेते हैं, तो जिस एंगल को लेते हैं उसको बीच में वो नाम रखते हैं, तो बीच में Q को लाने के लिए O से चलते हैं, O Q P, एंगल ये हो गया। उसके बाद से Q तो ले लिए बीच में, अब P को लीजिए तो हो जाएगा एंगल Q P R प्लस एंगल P R O प्लस एंगल R O Q, सबको जोड़ने के बाद 360 डिग्री। Q आपका कितना है, बीच वाला एंगल होता है, ठीक है। तो Q यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया है तो स्पर्श से तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, वृत्त परस्पर तो ये 90 डिग्री हो गया। प्लस P आपको नहीं पता है इसको छोड़ दीजिए, R R भी इधर से गया है, जहाँ वृत्त पर स्पर्श होता है वहाँ 180 बनता है, तो यहाँ पे 180 लिख लीजिए, 180 जहाँ वृत्त पर स्पर्श होता है वहाँ 90 डिग्री बनता है। अब प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 360 डिग्री, 90 कितना हो जाएगा 180, अब प्लस एंगल क्यू पी आर, अब प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 360 डिग्री, प्लस में है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 180 180, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। यही तो हमको साबित करना था कि ये वाला आ जाए। अब इधर क्यू ओ आर लिखा है, यहाँ पे आर ओ क्यू लिखा है, तो दोनों बात एक ही है, बीच में ओ आर आया ना, तो यहाँ लिख लीजिएगा प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी। तो है ना आसान, बहुत आसान था, दो ठो पता था, और निकालना ये नहीं निकालना है कि ये कितना होगा ये कितना होगा, तब थोड़ा सा मुश्किल होता, बस इसको हटा दिए तो इनका योग 180 बचना चाहिए। तो पूरा 360 होता है, 90 यानी 180 हटा दिए तो दो को मिला के 180 ही बचेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, ये क्या कह रहा है, मजेदार क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है कि ये साबित करना है, यानी कि इसको प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करना है कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब होता है चारों तरफ, अराउंड, ठीक है, उसके चारों तरफ एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यानी कि एक अगर वृत्त बना रहे हैं तो उसके चारों तरफ एक ऐसा चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज है, और ऐसे है वो, मान लीजिए कि यहां सटा फिर यहां सटा और फिर यहां सटा, मान समझिए कि ये वृत्त से ही सट के गया है, तो जहां कहीं पे भी सटा होगा इसका मान ए बी सी डी, इसको चार ठो मान लिए। अब बताइए कहीं सटा है तो जहां सटा है उसको मान लीजिए पी, यहां मान लीजिए सटा है तो क्यू, यहां आर और यहां पे एस,
ठीक है, ऐसे मान लीजिए कह रहा है कि अगर किसी वृत्त के चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ एक लाइन है कि नहीं, चारों तरफ क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं समानांतर पैरेलल हो। तो ये वाला इसके है और ये वाला है, तो कह रहा है कि अगर वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो साबित कीजिए कि वो क्या रोम्बस भी है, यानी कि सम चतुर्भुज भी है। अब ई का कह रहा है, तो सम मतलब होता है बराबर, चतुर्भुज माने चार भुजा। कह रहा है कि है जो दिख रहा है, क्या उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर भी है, जब आमने सामने वाला एकदम समानांतर है, यानी बीच का चौड़ाई अगर समानांतर है, तो क्या कह रहा है कि ये सब लाइनों आपस में बराबर होगा। लाइन आपस में बराबर होने का मतलब होता है सम चतुर्भुज है। साबित करना है कि ए बी लाइन बी सी के बराबर, बी सी लाइन सी डी के बराबर, सी डी लाइन ए डी के बराबर, सब लाइन आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ए बी दो है तो दो सेंटीमीटर है, तो सब बराबर होना चाहिए, जो होता है यही साबित करना है। तो होगा ही, आपको याद होना चाहिए कई को ट्रिक वही कि कोई भी चीज बाहर से जाएगा वृत्त पर सटेगा, तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं स्पर्श लाइन, यानी कि स्पर्श रेखा। और वहां कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री कोण बनता है, या फिर वो बराबर भी होता है, ये हम साबित कर चुके हैं। यहां गिवन में क्या है, क्या दिया हुआ है, ये तो सब में लिखना है। वो केंद्र वाला वृत्त है जिसके चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज है, ओ केंद्र वाले वृत्त के चारों तरफ यानी परिघत एक समांतर चतुर्भुज है। च देखे डॉट दिए हैं तो समांतर चतुर्भुज है, इतना समझ में आ गया। साबित क्या करना है, टू प्रूव, साबित ये करना है कि सब लाइनों आपस में क्या बराबर है, ये साबित करना है, यानी सब लाइन बराबर को कहते हैं सम चतुर्भुज। सम माने बराबर, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, यानी यह क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग रोम्बस भी कहते हैं, ठीक है, ऑल साइड्स बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं। साबित करना है क्या, ए बी, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज यानी रोम्बस है, यही तो साबित करना है। चलिए प्रमाण इकट्ठा करते हैं, प्रूफ यानी होता है प्रमाण। चलिए हम सब लाइन को बराबर करते हैं। सबसे पहले जब एक बात आप जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में, ऐसे किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाला लाइन बराबर होता है, क्या होता है, आमने सामने लाइन बराबर होता है, तो यहाँ पर आप एक चीज जरूर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए डी बराबर, ए डी बराबर बी सी, और एक लिख सकते हैं यहां पे ए ए डी बराबर ए बी बराबर, ए बी बराबर डी सी। यहां ये चीज आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्यों होता है, समांतर चतुर्भुज में सामने वाला लाइन क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज से, इतना आपको पता है। अब यहां देखिए, यहां आपको B दिख रहा होगा, वृत्त के बाहर दिख रहा होगा, तो जब वृत्त के बाहर B है, ये लाइनवा दो गो जाके वृत्त पर सट गया है, तो बताए थे कि बाहर से अगर दो गो जाएगा लाइन स्पर्श करेगा तो दो गो कंडीशन होता है, एक तो स्पर्श जहां करेगा वहां 90 डिग्री बनेगा, और दूसरा कंडीशन ही होता है कि दोनों लाइनवा जाता है तो बराबर होता है, मतलब यहां से PB और ये PQ आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग वृत्त पर, यहां पे वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु बी से वृत्त पर, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। इस हिसाब से आप लिख सकते हैं यहाँ कंडीशन ये और ये बराबर है, मतलब आप लिख सकते हैं बी पी बराबर बी क्यू, यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार, इस प्रकार बी पी बराबर बी क्यू, तब तो ये भी बाहर से गया है सी पॉइंट से, तो यहाँ क्या लिखे, जब ये बी पी बराबर बी क्यू हो गया तो यहाँ क्या लिखेगा, सी आर बराबर हाई लाइन सी आर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी क्यू, फिर ये भी तो बराबर है तो ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां पे, सी आर हो गया तो यहां लिखिए डी आर,
ये यहां से dr और यहां से ds, ये भी बराबर है ds, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से ये और ये, तो ap, ap बराबर as, यहां क्या है as, ये सब लाइन हुआ कि नहीं, इतना बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर हो गया। समीकरण मानिए 1, 2, 3, 4, ऐसा लग रहा है ना कि ये प्रूफ कर चुके हो, बता रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसी क्वेश्चन को बना ले रहे हैं अगर आप, और लास्ट में 2 लाइन जोड़ दीजिएगा तो 8 से सीधे 10 नंबर वाला, यानी ये 11 नंबर वाला आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपका हो गया ऐसे। अब लिखिए समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, सबको जोड़िए बराबर के, एक तरफ वाले एक तरफ को जोड़िए, बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस ए पी इज इक्वल टू, इधर वाला अलग जोड़िए, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस। जब बी पी में ए पी जोड़िएगा, जब बी पी में ए पी जोड़िएगा तो ए बी बनेगा, क्या बनेगा ए बी बनेगा, प्लस जब सी आर में डी आर जोड़िएगा, मतलब कि जब सी आर में डी आर जोड़िएगा तो डी सी बनेगा, डी सी बराबर बी क्यू में सी क्यू जोड़िए, बी क्यू किधर है, बी क्यू में सी क्यू जोड़िएगा तो बी सी बनेगा, क्या बनेगा बी सी, प्लस डी एस में ए एस जोड़िए, यहाँ पे देखिए डी एस में ए एस जोड़िएगा तो ए डी बनेगा, ठीक है ए डी। इतना तक तो 8 नंबर प्रूफ हुआ था, हमको साबित करना है कि सब लाइन आपस में बराबर है। तो यह देखिए, ई वाला तो जानते हैं बराबर है, अगर हाई 2 मीटर का है तो हाइयो 2 मीटर का है, अगर हाई 3 मीटर का है तो हाइयो 3 मीटर, सामने वाला बराबर होता है। अगर हम साबित कर दें कि ये 2 है तो ये भी 2 है, ये दोनों, तो समझिए कि जब ये 2 है तो ये भी अगर 2 साबित कर दे, एक सामने वाला बराबर होता है, यही सामने बराबर होता है, तो सब आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अगर एक वो लाइन साबित कर दे ये वाला बराबर है तो सब हो जाएगा, वो यहां से होगा। देखिए कैसे, यहां पे आपको एक चीज ध्यान आना चाहिए कि ए बी और डी सी, क्या लिखा है ए बी और डी सी ये जोड़ा गया है। आप बताइए ए बी और डी सी ये प्लस में लिखा है, ए बी और डी सी दोनों लाइन बराबर भी तो होता है, तो हम ए बी के जगह पे डी सी चाहे, देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में बराबर है ए बी और डी सी, तो जहाँ हमारे पास डी सी है और वहाँ डी सी को हटा के इसके जगह पे हम क्या भर सकते हैं ए बी, क्योंकि दोनों लाइन बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी प्लस डी सी के जगह पे भर दो ए बी, क्योंकि दोनों बराबर है, हो गया ये। और यहाँ देखो बी सी प्लस यहां पे AD के जगह पे क्या लिख दो BC लिख दो, यहां पे हो जाएगा 2 AB और BC भी कितना दिख रहा है 2 BC दिख रहा है, 2 से 2 खत्म, AB बराबर BC आ गया, साबित हो गया AB, A से B और बराबर BC। ये जब लाइन बराबर है तो आइए एक बराबर है, ये इस प्रकार सभी भुजाएं बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। जब ए बी बी सी के बराबर हो गया, मतलब ये वाला लाइन इसके बराबर, तो भाई सामने वाला बराबर है, तो मान लीजिए कि अगर ये वाला 2 है ये बराबर तो ये भी 2, और एक और कंडीशन होता है कि सामने वाला तो बराबर होता है तो ये भी 2, इसके सामने ये तो ये भी 2, सब तो बराबर हो गया ना, इसका मतलब यही हुआ कि सब लाइन बराबर है तो क्या है समचतुर्भुज है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा उटपटांग, उटपटांग सा मतलब भारी नहीं है, थोड़ा बड़ा लैंग्वेज जाएगा लेकिन है बहुत आसान। देखिए कह क्या रहा है, पहले ध्यान से समझिए। एक चीज आपको पता है कि किसी भी सर्कल में बाहर से बिंदु जाएगा तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, तो सर्कल के बाहर कौन-कौन पॉइंट है, एक पॉइंट है सी, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ए। तो आप बताइए कि सी से कोई इधर गया है कोई इधर, तो इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे रख देते हैं हम पी, यहाँ से हटाए तो नाम रख देते हैं क्यू और यहाँ से हटाए तो नाम रख देते हैं आर। आप बताइए कि बाहर से 2 बिंदु गया है तो बताइए कि ये क्यू और सी पी एस ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं, क्योंकि बाहर से कोई भी सर्कल पर जाता है तो क्या होता है इक्वल होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं
पीसी बराबर सी क्यू, पीसी और सी क्यू बराबर है। और बताइए कि जब सी क्यू बराबर कितना हो, 8 हो, मतलब सॉरी सी से क्यू 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 होगा क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, तो ये 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक, यहां देखिए बी से 2 ठो लाइन गया, बी से कितना गया है, 2 ठो लाइन, एक गया है बी आर और एक गया है बी क्यू, तो जब बी से लेके क्यू तक 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 होगा, यानी कि बी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी क्यू, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहां देखिए ए से भी 2 बिंदु गया है, ए आर और ए पी, तो यहां भी लिख सकते हैं, यहां ए से भी गया है ए आर और ए पी, ए आर बराबर ए पी, लेकिन ये लाइन पता नहीं है, तो ये लाइन पता नहीं है, तो अगर इसको अगर एक्स मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स, तो ये हमको पता हो गया एक्स। और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा कि ए बी कितना होगा, तो जब ये 8 हो गया तो ये भी 8 हो गया, ये वाला आपका हो गया कितना 6, तो ये भी वाला हो गया 6। तो आप बताइए कि ए बी निकालना है, तो अगर एक्स वाला पता रहता तो यहां से यहां एक्स है और फिर यहां से यहां 8 है, तो 8 में ये जोड़ देते तो ये भी पता चल जाता, फिर ये भी यहां से यहां 6 है और ये एक्स पता होता तो हमको ए सी भी पता हो जाए, तो यही निकालना है, ए बी और ए सी निकालना है। ठीक है, उससे पहले हम एक काम करते हैं, इस लाइन में जब स्पर्श हुआ है तो वृत्त से ये कितना डिग्री का निर्माण करेगा, 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ सबको मिला देते हैं हम लोग, समझिएगा यहाँ पे मिल चुका है, ये सब कंस्ट्रक्शन में काम आएगा, किस में आएगा कंस्ट्रक्शन, यहाँ भी मिला देते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट रूप से देखें, ध्यान से समझिएगा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ गौर से देखिए, ये 3 त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, 3 त्रिभुज मिला के ये बड़ा वाला बना है, एक ये वाला त्रिभुज यानी कि सी ओ बी, ये वाला त्रिभुज पहला, दूसरा ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज तीसरा ए ओ सी, ये वाला, तीनों त्रिभुज मिला करके ए बी सी बना है। और ये त्रिभुज में जहाँ ये लाइन जाता है वहाँ 90 डिग्री बनता है, आप तो जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वहाँ 90 डिग्री, तो आप बताइए अगर बात करें हम ए ओ बी का, तो नीचे वाला ही आधार हो सकता है और ये क्या हो सकता है, लंब हो सकता है त्रिभुज के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी कि बेस इनटू हाइट। तो हम बात करें अगर यहाँ पे देखिए ए बी, ए बी बराबर कितना है, तो ए बी बराबर है एक्स और 8, यानी लिख सकते हैं हम एक्स प्लस 8। ठीक है, उसके बाद से एक काम हम लोग पहले कर ले, अपने से इसमें जो काम किए हैं कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, अपने से क्या रचे हैं, तो रचे क्या थे हम, ये सबको मिला दिए थे, क्या किए थे हम, मिला सबको परपेंडिकुलर कर देते, यहाँ लिख सकते हैं ओ आर परपेंडिकुलर ए बी, और कुछ किए थे तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी था, अब उसके बाद से हम किए हैं यहाँ पे देखिए ओ पी, ओ पी हाई वाला लाइन गया है इस ए सी पर परपेंडिकुलर ए सी, यही दो काम किए हैं, ये तो पहले से ही दिया था, आज ज्वाइन कर दिए हैं ये सबको, ओ से बी, ओ से ये सब जितना भी थे सभी तो एक दूसरे को क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं, ये बात की बात है, लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं ज्वाइन, यानी कि क्या किए हैं ज्वाइन में, हम क्या किए हैं यहाँ पे ज्वाइन में, हम ले जाके मिला दिए हैं ओ से, यानी कि यहाँ ओ से ए तथा यहाँ पे ओ से बी तथा ओ से सी को मिलाया गया है, हो गया। अब हम बात करते हैं एक एक त्रिभुज का, पहले इस त्रिभुज का बात करते हैं, फिर ये वाला और फिर ये वाला, तीनों का एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं तीनों का एरिया, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2, ठीक, बेस क्या है ए ओ बी, इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए बेस क्या है, तो बेस ये हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा बेस ए बी, और हाइट हो जाएगा ये वाला, जो हाइट आपका कितना दिया है, तो यहाँ आपका दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये वृत्त से सब त्रिज्या ना है, जो भी गया है क्या है त्रिज्या है, तो यहाँ आर बराबर लिख दीजिएगा, आर बराबर कितना है
रेडियस बराबर है आपका 4 सेंटीमीटर, यहाँ हाइट दे दिया है आपका क्या ओ आर, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2 ए बी कितना है, तो ए बी अभी हम लिखे हैं यहाँ पे आपका लिख दीजिए, नहीं तो ए बी कितना है, ए बी एक्स प्लस 8 लिख लीजिए, डायरेक्ट लिखिए एक्स प्लस 8 और हाइट आपका है 4, यहाँ 2 दूना हो जाएगा 4, ये हो गया आपका एक्स प्लस 8 × 2, गुणा करना है तो गुणा कीजिए, ये हो जाएगा कितना 2x और ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, यहाँ निकल गया हमको त्रिभुज इसका क्षेत्रफल, ये निकला समीकरण 1, अभी इसको मान के रखिए। अब हम निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। उस त्रिभुज में क्या बोल रहा है, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस ये AC हो जाएगा तो x प्लस 6 और हाइट आपका 4 होगा तो 2 × 4 बच गया यहाँ पे x प्लस 6 इंटू में 2, 2 में दोनों से गुणा होता है तो हो गया 2x प्लस 6 × 12, समीकरण 2, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखिए समीकरण 1 और 2 हमको पता होगा, समीकरण 3 लेते हैं, 3 में लेते हैं हम लोग ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज COB का क्षेत्रफल 1/2 बेस कितना है, तो बेस यहाँ से यहाँ 6 और यहाँ से यहाँ 8, तो 8 और 6 टोटल मिला के 14 है और हाइट हमको तो 4 है क्योंकि सब त्रिज्या है, 2 × 7 = 28 हो गया, कितना हो गया 28 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर सब सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर, तीनों का निकल गया, तीनों को जोड़ने पर क्या निकलेगा पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये होगा कि नहीं। जब हम इस त्रिभुज को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और ये वाला, तीनों जब जोड़ेंगे ये वाला हिस्सा ये और ये, तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये हमारा रहा तीनों का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, जोड़िए 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 28, यहाँ जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा 4x, 16 12 और ये कितना हो जाएगा 28, जोड़िएगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 8, 28 और 28, 8 × 16 = 6 × 1 = 2 × 4 = 5, 56 होगा, जब इसको इसको और इसको जोड़ेगा तो 56 होगा, इसको मान लीजिए समीकरण 4, ठीक है। अभी यहाँ तक आप डीपली समझ चुके होंगे कि सब को निकाल करके हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, हमको ये लाइन निकालना है बस, बहुत लंबा प्रोसेस भी है एक तरह से, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जब हमको पता है कि ए बी कितना है, ए से बी कितना है, ए बी है एक्स प्लस 8, उसके बाद से बी सी, बी सी कितना है 8 और 6 कितना 14, ए सी, ए सी कितना है एक्स प्लस 6, इतना पता है। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, जब एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए उसके बाद इधर देखिए, जब ये आपको टोटल पता है ये तीनों चीजें, तो एक तरह से और क्षेत्रफल निकलता है और उसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम लोग, हीरोन्स फॉर्मूला, यहां समझिएगा हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। पहले उसके लिए सेमी पेरीमीटर एस निकालते हैं, होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, पहला वाला लाइन को ए मानो, ये मानो बी, ये मानो सी, ठीक है। तो मानते हैं हम कोई किसी को भी ए मानते हैं, चलिए ए बी को ही मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, तो ए प्लस ए कितना है, ए है एक्स प्लस 8, प्लस बी कितना है, बी है आपका 14 और सी कितना है, सी है आपका एक्स प्लस 6। यहाँ देखिए एक बटा में क्या है 2 है, एक्स और एक्स कितना होता है 2x, अब प्लस 8 × 6 = 14 और 14 कितना होगा 28, अब बटा में कितना हो गया 2, ये हमको निकला s बराबर, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 यहाँ निकालिएगा ऐसे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 अब बटा में 2, 2 से 2 कट गया, s बराबर कितना बच गया x प्लस 14, जब s बराबर निकल गया तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो देखिए ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, लेकिन दो तरीका से, इसमें 3 को हम जोड़े हैं ऐसे तब जाके पूरा त्रिभुज बना है। एक और फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हीरोन्स के फॉर्मूला से, डायरेक्ट बड़ा वाला निकलता है, उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का,
अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स एस माइनस सी, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। अंडर रूट एस कितना है, एस है एक्स प्लस 14, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ए, ए यहाँ देखिए एस का वैल्यू ये है और फिर ये एस भरे हैं और फिर ए कितना है, तो ए बराबर है एक्स और प्लस में 8, ठीक है, ऐसे है। फिर यहाँ देखिए लंबा भरना है थोड़ा सा, एस का वैल्यू है एक्स प्लस 14, ठीक है, इतना और माइनस बी कितना है, तो बी है आपका 14, ठीक। सी देखिए एस फिर एक्स प्लस 14 और माइनस सी कितना है, तो सी है आपका एक्स प्लस 6, इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब ये देखिए एक्स प्लस 14 और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 14 प्लस माइनस माइनस एक्स और ये हो जाएगा माइनस में 8। फिर यहाँ देखिएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस 14 से 14 खत्म हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। फिर यहाँ देखिए तो होगा x माइनस 14 माइनस एक्स माइनस 6, सिंबल बदल दिए हैं, प्लस माइनस है, x माइनस 14 ये प्लस में 14 ऐसे रखे रहिए, x से x खत्म, 14 में से जब जाएगा आपका कितना, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, x है तो x, x से x खत्म, 14 और 6 कितना होता है, दोनों माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस में है, क्या यहाँ पे प्लस में, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। तीनों का गुणा कीजिए, तीनों का क्या कर दीजिए, गुणा, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x प्लस 14 हो जाएगा ये वाला और ये 8 छक 48 एक्स हो जाएगा, 48x। यहाँ बस इतना ही पर छोड़ देना है, x प्लस 14 इंटू क्या हो जाएगा, ये समीकरण मान लीजिए आपका 2 हो, यहाँ 4 हुआ है ना, तो इसको मान लीजिए 5। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 और 5 देखिए ये भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, आई तीनों जोड़े हैं तब होते हैं, दोनों हिसाब से वही त्रिभुज ये बन रहा है, सबको जोड़िएगा, इसको इसको और इसको, तीनों को जब जोड़िएगा, कुछ देर के लिए इसको हम मिटा देते हैं, देखिए अब आपको डीपली इसमें समझ में आएगा, एक हो गया ये वाला त्रिभुज, एक हो गया ये वाला त्रिभुज और एक ये, जब तीनों को जोड़िएगा तभी भी बड़ा बन रहा है, उतना ही बन रहा है, और डायरेक्ट निकाले हैं तो वो तो डायरेक्ट है, तो मिला जुला के दोनों तरीका से ये बराबर हुआ, ये वाला एरिया और किधर का ये नीचे वाला एरिया, दोनों एरिया क्या हुआ, बराबर। तो समीकरण यहाँ लिख सकते हैं आप, जब यहाँ माने हैं 4 तो इसको 5, 4 और 5 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से में 4 है 4x प्लस 56 और 5 यहाँ दिया है अंडर रूट एक्स प्लस 14 और यहाँ दिया है 48x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, क्या समझिएगा, ये दोनों में कुछ मिल रहा है कॉमन, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x और 4 से ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा तो हो जाएगा 4 चौका 16 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 14 और ये हो जाएगा 48x। ये है आपका क्या, यहाँ पे गौर से देखिए ये वाला है रूट, आप बताइए कि जब एक से स्क्वायर बराबर 4 रहता है, स्क्वायर रहता है उधर जाता है तो ये किस में बदल जाता है, रूट में, तो फिर रूट आएगा तो इधर स्क्वायर में हो जाएगा कि नहीं, वही बात है कि इधर रूट है तो इधर कहाँ आ जाएगा, स्क्वायर में, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरा पर स्क्वायर आएगा, अब बराबर इधर बचेगा एक्स प्लस 14 इंटू में 48x, 4 ये देखिए 4 का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है तो अलग अलग कर दिए, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स प्लस 14 अब ब्रैकेट में 48x, ठीक है, यहाँ कटाइएगा तो ये कट जाएगा 16 48, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से एक बार स्क्रीनशॉट उतना कर लीजिए और इसको गौर से समझिए, तीन टर्म में आपका हो रहा है ये, यहाँ समझिए इधर क्या बचा, इधर बचा है x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा है आपका x प्लस 14 इंटू में 3x, क्योंकि यहाँ 16 48 कट गया है 3x,
अब देखिए यहाँ पे है दो गो एक्स प्लस चौदह, कितना है दो एक्स प्लस चौदह, यहाँ पे है एक्स प्लस चौदह इंटू में थ्री एक्स, तो एगो से एगो खत्म हो गया, यहाँ बच गया कितना एक्स प्लस चौदह अब बराबर यहाँ थ्री एक्स, एक्स किस में है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में बचेगा, तो चौदह बराबर थ्री एक्स माइनस एक्स, चौदह बराबर ये हो जाएगा टू एक्स कटाओगे तो हो जाएगा सेवन, एक्स बराबर आ गया सेवन। अब जाके एक्स का मान निकला है जो इस यहाँ ए से लेकर के और आर तक ये जो लाइन माने हैं इसको एक्स माने थे, एक्स बराबर कितना आया सेवन आया, तो सात गो ये और यहाँ से यहाँ आठ गो ये, तो सात और आठ मिला के पूरा ए बी बना। उसी तरह जब एक्स का मान सात आया यहाँ से यहाँ सात और ये हो गया छः, तो यही हम माने थे, यानी आपको हम ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी आपका हो जाएगा सात और छः दोनों को मिला के कितना होता है पंद्रह, ठीक है, और यहाँ ए सी हो जाएगा, एक्स हो गया सात और यहाँ से यहाँ छः, तो सात और छः तेरह, तो ये आपका रहा ए बी और ए सी जो आपको यहाँ निकालना था ए बी और ए सी। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत लॉन्ग था थोड़ा सा यहाँ जगह के प्रॉब्लम की वजह से ऐसे बना, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत आसान, समझिए ये सिद्ध करना है, साबित क्या करना है कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, ये वृत्त है, अब वृत्त के देखिए साइड साइड में चारों तरफ एक चारों तरफ चतुर्भुज यानी फोर साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बना है, ठीक है, इसके सामने सामने की भुजा मतलब ए बी के सामने यहाँ पे क्या है ए बी सी और डी है, ए बी के सामने सी डी है, तो कह रहा है इसकी आमने सामने की भुजा जो है वो केंद्र केंद्र पर सम पूरा कोण बनाती है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर इस लाइन को आप ऐसे मिलाइए, इसको भी ऐसे मिलाइए, तो कह रहा है कि इसके आमने सामने की भुजा वाला ये सामने वाला भुजा हो गया, इसके केंद्र पर तो ये वाला कोण और इसके केंद्र पर तो ये वाला कोण, ये दोनों मिला के क्या होगा सम पूरक होगा यानी 180 डिग्री का, ये दोनों मिला के कौन कौन यहाँ ओ मानिए एंगल, यहाँ देखिए एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये दोनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री, यही साबित करना है हमको, यही टू प्रूव क्या साबित करना है एंगल ए ओ बी बराबर प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब होता है ये समपूरक है, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए समपूरक होना चाहिए, यही आपको साबित करना है, ठीक है। अब गिवन में लिख दो, गिवन में जो दिया रहता है वो लिख दिया जाता है, ओ केंद्र वाला एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है, वृत्त के चारों तरफ है, लिखिए ओ केंद्र वाला एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब चारों तरफ अराउंड, परिगत ए बी सी डी ए क्या है चतुर्भुज है। थोड़ा सा अपने से इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, याद रखिएगा ये वाला और ये वाला अपने से कंस्ट्रक्ट क्या करना है केंद्र से, आई बताइए जाके स्पर्श हुआ है कि नहीं, यहाँ पे देखिए तो बाहर से ये जाके वृत्त पर सटा है ये सटा है, तो यहाँ क्या लंब एकदम आता है 90 डिग्री जहाँ स्पर्श होता है, ये भी हो जाएगा लंब, ये भी हो जाएगा लंब और ये भी हो जाएगा लंब, सब जगह 90 डिग्री बनेगा। कुछ एंगल मान लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इतना आपको ध्यान है सभी एंगल को मान लिया, क्योंकि जब टूटा तो छोटा छोटे एंगल में टूट गया। आप एक बात बताइए किसी भी वृत्त के वृत्त कितना डिग्री का बनता है 360 डिग्री, क्योंकि इसको चार हिस्सा में तोड़िएगा तो ये सब कोण मिला करके ये मान लो कि 90 90 90 90 चार गो 90 वाला हुआ तो पूरा मिला के 360 होता है कि नहीं, तो ये भी सब एंगल मिला करके क्या होगा जितना भी ये सब छोटा छोटा एंगल है यहाँ 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 सब मिला कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रूफ में लिख सकते हैं एक वृत्त के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये आपको बस पता होना चाहिए कि इतना होता है, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप ये चीज देखिए, एक तरह से देखें तो ये चार को बक्सा है कि नहीं, एक बक्सा दो तीन चार, आप बताइए कि यहाँ से केंद्र यहाँ पे वृत्त पर स्पर्श किया है, यहाँ से किया है, तो कोई भी त्रिभुज अगर वृत्त कोई भी अगर बिंदु वृत्त पर स्पर्श यहाँ कर रहा है तो यहाँ पे एगो त्रिभुज भी बन रहा है,
यहाँ दो गो त्रिभुज, एक चतुर्भुज में दो त्रिभुज, आई दोनों त्रिभुज एकदम बराबर होता है यानी कि सर्वांगसम होता है। जब ये दोनों सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब होता है एकदम हम सकल है, ठीक है, तो इसके कोण भी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर हम सकल होता है तो उसमें हर एक अंग बराबर होता है, उसी को तो सर्वांगसम कहते हैं। तो ये दो बराबर पाँच होता है, उसी प्रकार से ये भी एक चतुर्भुज में ये दोनों बराबर हो सकता है, इसमें भी ये बराबर हो सकता है, इसमें एक और आठ बराबर, सब बराबर हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज SOB सर्वांगसम हो जाएगा किससे, BOR से, त्रिभुज BOR से। जब ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो गए, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमेय 10.2 के अकॉर्डिंग RHS से हुआ है। RHS यहाँ पे मिल जाएगा तीन गो सबूत, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री भी है, आर एच मतलब ये दोनों में लाइन कॉमन है तो एच हो गया, और साइड से ये त्रिज्या बराबर है ही दोनों में। तो देखिए कोई भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए तीन गो सबूत चाहिए, तो इसमें का तीन गो सबूत इसमें दिख रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, हाई लाइन में दोनों के लिए है, तो ये दोनों का हक हो गया, तो दो गो सबूत मिला। तीसरा ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपस में बराबर होता ही है, ठीक है, तो ये दोनों से हो सकता है। इस प्रकार जब ये सर्वांगसम हो गया तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3, तो ये भी इसमें भी वही होगा, ठीक है। यहाँ लिखिए इस प्रकार जब ये बात ऐसा है तो ये 4 बराबर 5 हो जाएगा ये दोनों के लिए, एंगल 4 बराबर एंगल 5, 6 बराबर 7 हो जाएगा, 6 बराबर 7, 8 यहाँ पे हो गया, और ये इसमें हो जाएगा 1 बराबर 8 चाहे 8 बराबर 1, ठीक है, यहाँ पे ये सब हो जाएगा। अब बताइए ये ऊपर वाला लाइन क्या लिखे थे, एक वृत्त के सभी कोणों का योग कितना होता है 360, तो सबको जोड़ के 360 लिखिए। यहाँ लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ सभी कोणों का योग कितना हो गया 360 डिग्री। हमको लाना क्या है, हमको लाना है ए ओ, यहाँ पे ओ है, आ बी मतलब एक और दो, यहाँ सी ओ डी माने 5 और 6 यानी कि एंगल 1 प्लस 2 एंगल 5 और एंगल 5 एंड एंगल 6 बराबर एक सम्पूरक बोल रहा था, तो ये दोनों का योग सम्पूरक होना चाहिए 180, तो ये बचा करके बाकी सबको बदल दीजिए। हमको 1, 2, 5 और 6 चाहिए, क्या चाहिए 1, 2, 5 और 6, तो एक चाहिए तो एक छोड़ दो, दो भी चाहिए, तीन नहीं है तो तीन किसके बराबर है, 2 के बराबर है तो 2 लिख दो, अब प्लस 4 भी हमको नहीं चाहिए तो 4 किसके बराबर है, 5 की जगह पे लिख दो, अब 5 है तो 5 उतार दो, प्लस 6 नहीं, 6 हमको चाहिए उसमें, तो जब 6 चाहिए तो 6 लिख दो, और 7 नहीं चाहिए तो 7 बराबर क्या है 6, तो बराबर है तो 6 लिख सकते हैं, 8 भी नहीं चाहिए, 8 बराबर क्या है 1 है, बराबर में 360। यहाँ समझिए यहाँ एंगल 1 एक ठो और एक ठो कितना हो जाएगा, 2 ठो हो जाएगा एंगल 1, 2 ठो हो जाएगा एंगल 2, यहाँ देखिए 2 ठो हो जाएगा एंगल 5 और 2 ठो हो जाएगा एंगल 6, ये 360, सब 2-2 ठो है, यहाँ भी 2 ठो है, 5 भी 2 ठो है, सब 2-2 ठो है। अब दोनों में से 2 निकाल लीजिएगा तो बचेगा एंगल 1, यहाँ से 2 निकल गया तो एंगल 2, एंगल 3 एंगल 5 है और एंगल 6 इज इक्वल टू 360, कटाइएगा तो ये हो जाएगा 180। अब यहाँ देखिए बच क्या गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180। अब बस साबित हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ देखिए ये एंगल 1 है एंगल 2 है, ये दोनों एंगल जब मिल रहा है तो ए ओ बी का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप एंगल ए ओ बी प्लस, जब ये दोनों मिल रहे हैं तो सी ओ डी का निर्माण कर रहा है, सी ओ डी बराबर में हो गया कितना 180 डिग्री, पी आर ओ वी ई डी। ये आपका साबित यही करना था, यही आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का बेनिफिट सबको मिल सके। जय हिंद। क्या आपको पता है इस चैनल पर लगभग सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद इसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे।